हर हर महादेव। आजकल लोगों का पढ़ने का, खाने का, सोने का कोई निश्चित समय नहीं है। कभी भी पढ़ लेते हैं, कभी भी सो लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी स्त्री प्रसंग कर लेते हैं, और भी कोई भी काम कभी भी करते हैं। पर हमारे यहाँ शास्त्रों में हर कार्य करने का एक समय बतलाया गया है, उस समय पर ही वो कार्य करना चाहिए। और कुछ बड़े निषिद्ध समय है कि उस समय पर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो संध्या काल में कुछ कार्य परिवर्जित किए गए हैं कि इनको कदापि नहीं करना चाहिए। संध्या काल में केवल संध्या ही करना चाहिए। संध्या काल क्या होता है कि सूर्य उदय और अस्त के समय पर, दोनों समयों पर जो एक एक मुहूर्त का संध्या काल होता है। एक मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्तम घटिका द्वयम, दो घटी का एक मुहूर्त होता है। तो एक घटी में 24 मिनट होती हैं, दो घटी में 48 मिनट हो गए, अर्थात सूर्य उदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, यानी कि आधे घंटा पहले आधे घंटा बाद, यूं समझ लीजिएगा। ये एक एक घंटा सुबह शाम इस समय ये चार कार्य नहीं करना चाहिए। इसका जो है यम स्मृति में 75 और 76-77 में श्लोकों में ये सब विवरण दिया गया है। आप देखें, चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायंच चतुर्थकम्। ये चार काल छोड़ देना चाहिए संध्या काल में। आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन स्त्री प्रसंग पुरुष प्रसंग ये नहीं करना चाहिए, निद्राम सोना नहीं चाहिए, और स्वाध्याय पढ़ना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़े हुए को भी नहीं पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायंच चतुर्थकम्। अगर इनको कोई करता है तो क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं महर्षि ने वो भी बतलाए। देखिए, आहारा जायते व्याधि। यदि कोई इस समय पर आहार करता है, भोजन करता है संध्या कालों में, तो व्याधि ही जायते, रोग उत्पन्न हो जाता है। क्रूर गर्भश्च मैथुने। इस समय यदि गर्भ स्थापित होता है, कोई गर्भ स्त्री प्रसंग करता है, तो उसके होने वाली जो संतान है वो क्रूर होती है, दुष्ट होती है, राक्षस प्रवृत्ति की होती है, तामसी होती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। निद्रा श्रेयो निवर्तन्ते। अगर इस समय पर संध्या काल में जो सोते हैं तो उनकी कीर्ति वैभव, उनकी लक्ष्मी धन संपत्ति सब निवर्तित हो जाती है, चली जाती है, इसलिए। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। इस समय पढ़ने पर, अध्ययन करने पर मरण लिखा हुआ, यानी महान दुख की प्राप्ति होती है। जो अध्ययन करते हैं वो भूल जाते हैं और दुख की प्राप्ति होती है। तो बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि सुबह सुबह हम याद करेंगे तो याद रहेगा। हाँ, अच्छी बात है, वो ब्रह्म मुहूर्त के लिए कहा गया है। तो अपना स्नान संध्या इत्यादि करके या पहले भी आप वो स्वाध्याय कर सकते हैं, है ना। परंतु जब सूर्य उदय अस्त के समय पर बिल्कुल ना करें, ये शास्त्रों में निषिद्ध है। हर हर महादेव।